आवाज यहाँ पे देखो भाई, समांतर चतुर्भुज देखना है। देखो यहाँ पे पैरेलोग्राम देखना है भाई। जैसे अभी आप लोगों ने देखो बेटा क्या पढ़ा था कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब जो चतुर्भुज होगा, पहले यहाँ पे देखो क्या होगा, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज क्या होगा, क्या कौन बताएगा? क्वाड्रिलेटरल इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? चतुर्भुज भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें कितनी साइडें होती हैं, चार साइडें होंगी, तो चार साइडों से जो घिरी हुई आकृति होती है, जो शेप होता है, उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, या बोलेंगे या तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स होंगे। पहला क्या होगा? फर्स्ट होता है पैरेललोग्राम। पहला क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो क्या हो जाएगा? पैरेललो माना समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज होगा, इसमें ध्यान समझना, इसकी जो शेप होगी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं पैरेललोग्राम के सारे कंडी, इसका नाम मान लेते हैं क्या है? ए बी सी डी। क्या है? ए बी सी डी। इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। अब इसकी पहले कंडीशन क्या होती है कि समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में, जो आमने सामने की साइडें होती हैं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो मतलब कि जो ए बी होगा किसके इक्वल होगा? ए बी जो होगा किसके पैरेलल होगा? सी डी के। और बेटा जो ए डी पैरेलल होगा किसके? बी सी के। तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल मतलब समांतर होती हैं। और जो ए बी होगा वो बराबर भी होता है, इसमें क्या होता है? इक्वल भी होता है। और जो ए डी होगा वो किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा। जहाँ तक कोई डाउट है? जहाँ तक डाउट नहीं, पहला कंडीशन हो गया। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसमें आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। दूसरी कंडीशन क्या था भाई? दूसरी कंडीशन क्या होगी? देखो आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, और यदि कोई ट्रांसवर्सल होता है तो उसके एक तरफ का को इंटीरियर का एंगल का सम कितना होता है? 180। तो जैसे यहाँ पे दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं और यहाँ पे इन दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। ऐसे देखो यहाँ पे देखना बेटा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो बताओ ये क्या है? ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो यहाँ इन दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। अच्छा बताओ यहाँ पे नेक्स्ट में, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं, तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी और इसको ट्रांसवर्सल मान लिया जाए तो इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा? 180। मतलब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल में एंगल सी इक्वल में एंगल डी और इक्वल में एंगल डी प्लस में एंगल ए कितना हो जाएगा? ये पूरा इक्वल में 180। मतलब a प्लस बी बराबर ही 180, बी प्लस सी इक्वल में 180, सी प्लस डी ये भी 180 और d प्लस ए में सब सारे एंगल बगल बगल के एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये दो कंडीशन पता चली। थर्ड में देखो, जैसे मान लेते हैं, इसी में देखो बेटा, जैसे मान लेते हैं कोई एक पैरेललोग्राम है, क्या ये पैरेललोग्राम, इसका नाम वही मान लेते हैं ए बी और क्या है? सी डी, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल x है, कितना एंगल है? x। तो बताओ ये एंगल x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा बताओ यदि ये एंगल x है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस x। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? बगल बगल 180। तो एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस में x हो जाएगा। और पता है ये 180 माइनस x में ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस में x हो जाएगा, क्योंकि सामने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में देखो भाई, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? नेक्स्ट में फोर्थ वाला कंडीशन देखो। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन हम आ जाते हैं आप लोग डायगोनल्स के ऊपर। इसके ऊपर आ जाएंगे डायगोनल्स। और डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसे एक पैरेललोग्राम ले लो, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइनें क्या कहलाती हैं? डायगोनल्स। तो यहाँ पे कितने डायगोनल्स हैं? दो, एक है एसी और दूसरा क्या है? बीडी है। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या है? एसी है, दूसरा क्या है? बीडी। तो पैरेललोग्राम में बेटा जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो मतलब कि एसी जो होगा वो बीडी के इक्वल में क्या होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे याद रख लेना कि ये जब जिस पॉइंट पे दोनों कट करते हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर भी नहीं होते, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो मतलब ऐसे लिख सकते हो कि जो ए बी होगा डज नॉट परपेंडिकुलर टू किस पे? ए बी नहीं भाई, ए सी। किस पे हो जाएगा? ए सी। हमें जो दोनों, जैसे एक डायगोनल्स क्या हो गया? ए सी हो गया और दूसरा क्या हो गया? बी डी। तो जहाँ पे कट करेंगे ना वहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये दूसरे एक दूसरे पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर नहीं होते। परपेंडिकुलर मतलब लंब नहीं होते एक दूसरे पे, ठीक है। तो जो ए बी होगा, बराबर ए बी क्यों लिखा जा रहा है भाई? AC जो होगा ये किस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा बेटा? BD पे, ठीक है। और डायगोनल्स के बारे में क्या होगा? ये जो डायगोनल्स होते हैं बेटा जिस पॉइंट पे कट करेंगे, मान लेते हैं किस पॉइंट पे कट किया इन्होंने? O पॉइंट पे। किस पे किया? O पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे कट करेंगे ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा इसके क्या होगा? इक्वल होगा। और एंगल नहीं, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? इक्वल। और ये वाला किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि ओ बी बराबर किसके हो जाएगा? ओ डी के। ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ डी के। और बताना ओ ए बराबर किसके हो जाएगा? ओ इक्वल किसके हो जाएगा? ओ सी के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे?
यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इतने सारे पॉइंट्स में तैयार होना चाहिए। एक पॉइंट्स और है, देख लो लास्ट पॉइंट्स में क्या होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक पैरेललोग्राम है, क्या है? पैरेललोग्राम है। देखो यहाँ पे ध्यान समझो ना, फिफ्थ पॉइंट है ये। तो फिफ्थ पॉइंट में जैसे कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। और यदि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को, यहाँ पे मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट। इसका नाम मान लेते हैं पी है, इसका नाम मान लेते हैं क्यू है, इसका नाम मान लेते हैं आर है, इसका नाम क्या है? इसके यदि मिड पॉइंट को लाइन मिलाया जाए, मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो जो शेप बनता है, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम। तो मतलब किसी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाने से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो भी चतुर्भुज बनता है, वो भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो मतलब इनमें भी आमने सामने के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनमें भी आमने सामने के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सामने की साइडें भी क्या होती हैं? इक्वल होती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ें आगे, देखें नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। दो जानकारी है, आप लोग देख लो, उसको ध्यान से मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, नेक्स्ट पेज में हमें देख लेना है। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम के बारे में देखो। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए भाई एक पैरेललोग्राम है, क्या है ये? पैरेललोग्राम है। इसका मान लेते हैं ए है, बी है, और ये क्या है? सी है, और ये क्या है? डी है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। यदि पैरेललोग्राम में यदि दो लाइनों को ऐसे यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर दिया जाए, तो इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। किसकी बातें कर लेती हैं? एरिया के बारे में। एरिया आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। एरिया इसको नोट्स रख लेना, क्योंकि जब इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे काम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसके एरिया के बारे में देख लो। एरिया में क्या हो जाएगा? देखो बेटा, एरिया क्या होता है इसका? पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू में हाई टी, आप लोग याद करो पिछली क्लास में भी पढ़ा था ना। बेस मतलब क्या होता है? आधार गुणे में ऊंचाई। तो ये क्या होता है? बेस। और इसके ऊपर यदि कोई परपेंडिकुलर डाल दिया जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा? बेस निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, ये समझ में आया? एरिया इसकी क्या होगी? एरिया क्या होती है? बेस मल्टीप्लाई में हाइट हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन दिया जाए क्वाड्रिलेटरल में, वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। चलो ठीक है भाई।